हेलो, मेरा नाम अविनाश है और मैं राजस्थान से आया हूँ। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स पहले करवाया था और अभी मुझे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं इनके। एंड डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हेयर रिसीडिंग है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कारणों से हो सकती है। मेरा पर्सनली, मैं अल्कोहल अब्यूज़ करता था। मेरे दिल को पता है, मतलब इसी से ही मेरा हेयर फॉल हुआ है। मैं अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करता था। सो मुझे इस तरीके से ये चीज़ जज हुई कि लाइक ऑफ कोर्स कि मेरे आगे से हेयर लाइन और पीछे से जो क्राउन था वो एक साथ ही जा रहा था। और जैसे अपना, मैं कभी कभी ऐसे बेड में लेटा होता था, कभी बुक्स पढ़ रहा होता था, तो कभी बालों को ऐसे करता था तो बहुत सारे छोटे छोटे बाल नीचे गिर जाते थे। तो बहुत सारे होते थे, वो 50-60 बाल होते थे एक साथ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑयल हैं, वो एक्चुअली लोग, मुझे मैंने लगा के नहीं देखा पूरे साल भर। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में डिसिप्लिन नहीं होता कि वो हर रोज़ उसको लगाए। शायद क्या पता उससे भी आ जाए, लेकिन मैंने तो नहीं करके देखा। इस तरह का डिसिप्लिन था नहीं। और कुछ लोग सोचें कि यार एक साल लगा के देख लेते हैं, फिर उस एक साल में आए नहीं तो वो अगले साल, मतलब थोड़ा टाइम भी ख़राब हो जाता है इसके चक्कर में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पैचेस और ये, मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा कंफर्टेबल है पैचेस के साथ तो ठीक है। मैं अपने शरीर में कुछ भी पहनना, मतलब ऐसे ऊपर से कुछ लगाना पसंद नहीं करता। मेरे स्पेशली केस में मैं कैप नहीं लगाता था और मतलब एक्सेप्टेड ही था, मतलब कि हाँ ठीक है, अभी टकला हो चुका हूँ, मतलब बाल जा रहे हैं ऐसा वैसा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो ही जाता था, मतलब ना इस तरीके से। इसी चक्कर में फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। मैंने QST को इसीलिए चूज़ करा सिर्फ और सिर्फ राजपाल यादव जी सर की वजह से। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उनका फ़ैन हूँ, वो एक एक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं। और कोई भी एक्टर कहीं पे अपना ट्रांसप्लांट कराता है तो वो भी रिस्क नहीं लेगा। ऑफ कोर्स वो इधर उधर से पता नहीं किस किस से बात कर करके उन्होंने किन्हीं डॉक्टर को ढूंढा होगा। एंड देन तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस था, तो मैंने उन्हीं को फॉलो करके देन मैं QST पे आया। यही रीज़न था सिर्फ। जब मेरा सबसे पहले मैं QST में आया था तो मतलब मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था पहले ही कि इस तरीके का प्रोसीजर होगा और ऐसे ऐसे इंजेक्शन होता है, ऐसा ऐसा होता है, सीडेट करा जाता है। एंड देन ये मुझे पता था। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को, यस हेयर चाहिए यार, ठीक है, मौत नहीं होगी, तो आप कर सकते हैं ये चीज़। और द वेरी फर्स्ट डे मैं क्लिनिक पे आया, जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा जेनरस एंड वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत ही पोलाइट हैं। जो एटमोसफेयर है यहाँ का वो भी बहुत अच्छा है। जहाँ पर सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स, जहाँ पे सर्जरी करते हैं वहाँ का भी एटमोसफेयर बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे एक एम्बियंट एम्बियंट टाइप एनवायरनमेंट रहता है एंड दे जस्ट टेक केयर ऑफ यू, रियली गुड। मेरे को 5400 ग्राफ्ट लगे थे एंड मेरे को स्वेलिंग और इस तरीके से कुछ भी नहीं हुई थी। यहाँ पर एक टेप लगाते हैं, वो निकालनी नहीं है जब तक डॉक्टर्स आपको एडवाइस नहीं करते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ स्वेलिंग थी या कुछ भी ऐसा था। हाँ, मेक श्योर कि जब आप आए सर्जरी कराने, आप डॉक्टर से पहले ही पूछ लें क्या चीज़ें आप अवॉइड करके आएँ 10 दिन पहले, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ करनी है। QST को चूज़ करना ही एक मुझे लगता है सबसे अच्छा डिसीजन मैंने लिया और एक ब्लाइंडली डिसीजन था ये। QST टीम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं आप लोग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।